दीपी तो कॉफी बना दो। करना क्या उसमें, कॉफी का बटन ऑन करना है बस। बेबी की कॉफी हो गई, लोगों के सामने दुख बेटी मैं बहुत अच्छा हस्बैंड हूँ, मैं कॉफी बनाता हूँ अपनी बेबी के लिए। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बज गए सुबह के 10:30, मैं निकल रहा हूँ अपने वर्कआउट के लिए, फटाफट शूज पहन रहा हूँ और मेरे आते ही मेरी बीबी का वर्कआउट है। वो है कि नहीं है पता नहीं, क्योंकि मैं तो रहूंगा नहीं, सच है या झूठ है, सच है ये। तो बस अब मैं निकल रहा हूँ, उसके बाद अब तुम्हारे हवाले व्लॉग साथियों, फिर मैं आके मिलूंगा। लेकिन आने के बाद भी मुझे बहुत सारे आज काम हैं, तो आज जो हस्बैंड कुकिंग चैलेंज है देखते हैं किस टाइम होता है या नहीं होता है, नहीं तो फिर कल करेंगे। क्योंकि वैसे आप लोगों के कमेंट्स तो आए हैं, लेकिन उसमें कुछ कुछ बहुत ही खतरनाक भी कमेंट्स है, वो सब तो मैं नहीं बना पाऊंगा, लेकिन उसमें तो कुछ चूज करके देखते हैं। आजकल मैं बिल्ली का खाना लेके जाऊं क्या? हाँ बिल्ली का लेके जाऊंगा, मांगेगी अभी, उसको आदत पड़ गई। अरे मुंह खून लग गया है, दे रही हूँ, डब्बा खोलना पड़ेगा। अरे अरे उल्टे सॉक्स पहन लिए। अरे मेरे सॉक्स में छेद किसने किया है? ये चुनचुन ने। हाय राम, सॉक्स फाड़ दिए। और बचाओ उसको, और कहो कि चुनचुन को कुछ मत कहो, ले लो बिल्ली का खाना, भूख लगे तो तुम भी खा लेना। चलो जी। सो गुड मॉर्निंग पीपल, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं तैयार हो गई हूँ एकदम, और तैयार होके मैंने आज काफी काम एक्चुअली घर के खत्म करे हैं, लेकिन ये जो ये करके जाता है वो तो आपको पता ही है, तो उसको ठीक एक ही मिनट लगेगा, लेकिन उसको ठीक करना जरूरी है। पता नहीं है आदमी लोगों को गंद क्यों पसंद होता है, मतलब मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जिनको गंद पसंद नहीं होता और वो ठीक करते हैं, बट अविनाश सर कुछ अलग है। चलो कुत्ते कुत्ते के टॉयज, चलो इधर एक कोने में करो। आज चेरी मुर्गा भी लेके आई है, मुर्गे से खेली है खूब, और आपको दिखाती हूँ। ये देखो मुर्गा यहाँ पे पड़ा हुआ है, चेरी यहाँ पे पड़ी हुई है। ये देखो चार मामा, मुर्गे से क्यों खेले आप? चार मामा बहुत हैप्पी है, बहुत हैप्पी है। मम्मा के साथ तीन तीन बार घूमी करने जाता है आज, तीन बार, मतलब एक बार तो शाम को मैं घुमाती हूँ, उसके बाद ये कुछ 8 बजे करीब कहती है चलो दोबारा घूमने चलेंगे, बॉल मुंह में लेके और शुरू हो जाती है। उसके बाद वापस आते हैं तो 11 बजे करीब दोबारा बोलती कि हो सके तो चले क्या, और फिर ये इतना गंदा रोती है ना कि मैं मना नहीं करती कि आई थिंक ये लाड में ज्यादा आई हुई है कि अमिता नहीं है तो चलो मैं मम्मी को पूरा लाड दूंगी, माँ दे भी रही है, माँ नहीं देखती तो पड़ी रहती इधर उधर, लेकिन मम्मी दे रही है लाड तो ले लो। ये मेला चिंचा मैम भी जी बॉलू ची खेल रहा है। आपको पता है कल भी इसने मेरी टी शर्ट शुरू करी थी काटने के लिए, और मैंने देखा तो ये ना छोड़ के चुपके से साइडों के दब गई कहीं जाके तकिए के अंदर, तो इसके अंदर अभी भी वो कुराफात है, ये नहीं है कि वो मान जाएगी, लेकिन भैया बहुत ध्यान रखना पड़ेगा इसका। आज मैंने लिटरली नहाते वक्त ना, आज मैंने रूम से बाहर निकाल दिया, मैंने कहा कुछ कपड़े पड़े रहते हैं जो सेट वेट करने होते हैं ना, और ये सारी बीच में बैठ जाती है उनके कि मैं तो गरीब सा बच्चा हूँ, छोटा सा बच्चा हूँ, मुझे बिठा लो, मैं कुछ नहीं कहूंगा, उसके बाद काट मारती है कपड़े, तो इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। और अभिराज जी तो गए हुए हैं अपने एक्सरसाइज के लिए, मेरी एक्सरसाइज का टाइम अभी तक मुझे पता नहीं चला है कितने बजे वाला है, मतलब दिन में है कि शाम को है मुझे पता नहीं, लेकिन मैं रेडी हो गई हूँ एकदम। इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि मैं पूरा दिन ही रेडी हूँ, भाई बताओ भैया, फोन करना चाहिए उनको भी कि भाई कब है एक्सरसाइज, कितने बजे मैडम, इतने बजे आ जाओ, ऐसा थोड़ी होता है, लेकिन फिर भी वेट तो देखो मेरे को करना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हुए दोस्तों एक कॉफी बना लेती हूँ, और मेरे को किचन वगैरह सब सेट करनी है, बेडरूम वगैरह सब सेट हो गया है, रूम सारे सेट हो गए हैं, डस्टिंग बिस्टिंग हो चुकी है, ये कपड़ा है जो अभी मैं हटा देती हूँ, और वर्कआउट खत्म हो गया, ज्यादा वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन बिल्ली को ढूंढ रहा था बहुत देर से, खाना लेके आया हूँ, बिल्ली अब मिली वर्कआउट खत्म होने के बाद। यार मुझे लग रहा है इनके लिए ना एक बोल भी लाना पड़ेगा कल से, ऐसे ज़मीन पे देना ना अच्छा ही लगता, बोल तो है इनका लेकिन पानी का बोल है, और जुगाड़ना पड़ेगा बोल। मस्त होकर खा रही है, पता है सुबह सुबह बहुत तेज़ भूख लगी होती है इसको, आई एम श्योर कोई ना कोई देता होगा खाना, लेकिन फिर भी पता नहीं जैसे खाती है उससे तो ये लगता है कि बहुत तेज़ भूख लगी है। आज वो काला वाला बिल्ला नहीं दिखा, उसको भी देना था, आज गायब है वो, बेंच पे ढूंढा मर्ज नहीं है, बेंच के कलर में भी मिला हुआ नहीं है। मैं चल रहा हूँ घर, क्योंकि संभावना को जाना है अपने वर्कआउट के लिए, तो मुझे जल्दी पहुँचना है। मैं निकल पड़ा हूँ घर के लिए, आज बर्न कर दी है एक्टिव 600 कैलोरीज, टोटल 700 कैलोरीज, नॉट बैड। तुझे
एक्चुअली मेरे को अभी मालूम पड़ा है कि मेरी जो क्लास है वो शाम को 5 बजे है, तो 5 बजे का टाइम मेरे को शाम का ही मिला है, तो मतलब अभी आराम से मैं बैठ सकती हूँ। तो मीनवाइल अब मैं पूरे किचन सेटल करूंगी, जो बर्तन है, और उसके बाद कॉफी बनाऊंगी। अविनाश आ गया है और अविनाश से अभी मिलवाती हूँ मैं, जरा नहाने गया है। तब तक शुरू करते हैं किचन साफ करना। तो जी किचन मेरी क्लीन हो गई एकदम, यहाँ देख सकते हो एकदम सेट हो गई है, खुला क्यों है। अब मैं पहले बनाऊंगी थोड़ी कॉफी और उसके बाद मैं बच्चों को खाना दूंगी, क्योंकि अभी उसमें टाइम है। बनाने लगी मैं कॉफी। आ जाओ मेरे बच्चों, आ जाओ मेरे बाबू, आ जाओ यहाँ बैठेंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ। क्या हो गया बच्चा, क्यों रो रही है बैठ के? इधर मम्मा के पास आ जा। ये बॉलू ले गई क्या आपकी? बॉलू चाहिए थी क्या चेरी? बेटा दे दो ना चेरी, मौसी को बॉलू दे दो। चेरी ये लो आपकी बॉल, आ जाओ। कह रही थी मैं तो आराम से खा रही थी, बॉल मेरे से क्यों छीनी? और वो खुश है बॉल लेके। अरे फिर रो ना। और ये नई बॉल है दोस्तों, अभी आपने देखा था ना, ये नई बॉल ही है, ये देखो। उसको बहुत बुरा लगा है। हाय चुन्ना, हाय बीबी, ओकी, मैंने कहा था मम्मा। नहीं नहीं मम्मा कुछ, आपकी मम्मा आपको कुछ कह ही नहीं रही, वो अपने आप जबरदस्ती डर रही है। मम्मा आपको कुछ नहीं कह रही है, ये देखो कि पीटना है तो पीटो मुझे, मारना है तो मारो, लेकिन कुछ करो, कुछ कहो माँ कुछ कहो। वो पीट ही नहीं रही तेरे को, जबरदस्ती वो कर रही है। तू इधर देखो, वो तेरे को कुछ कह ही नहीं रही है, उसने इसको कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन ये जानबूझ के करती है सब, ये जानबूझ के करती है, मुझे पता है। जी मेरा बेबी आ गया, नहा के आ गया। बेबी देखने कैसा लग रहा है जो पहना है? अच्छा ही लग रहा है। अच्छा, शर्ट अंदर रखो, शर्ट बाहर रखो। नहीं बेबी अच्छी लग रही है, बाहर ही अच्छी लग रही है। तो ये बटन खोलूं नीचे का? नहीं क्यों खोलना है इसको, क्यों? मेरी तरह पुट्ठे भारी है क्या तुम्हारे? नहीं लोग ऊपर का बटन खोलते हैं, हम नीचे का खोलेंगे, फैशन हमारा अलग है। ये बोलते हुए अरे 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 भाई पकड़ना, मैं अपनी कॉफी पीने दो। अरे दर्द मेरे को हो रहा है, तुम कह रही हो पकड़ना? कॉफी पी रही हूँ ना भाई, कॉफी खेलते खेलते कुत्ते को बॉल भी खिला रही हूँ ना। क्या हुआ है? बोलेगी तो बस, ये खुजलियाँ करती है फिर रोती है, खुजलियाँ करती है रोती है, क्या है बोल मेरे लाल कुत्ता। हाय मेरा सफेद से कैसे लाल हो गया कुत्ता, चाल करा। चल आ जाए ना मम्मा के पास, चलो चलो मम्मा के पास आ जाए। नहीं घूमी 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 शाम को जाएंगे हम, घूमी घूमी शाम को जाएंगे। बेटा धूप में तो नहीं लेके जाऊंगी ना, तो मैं बता रही हूँ इतनी जिदे करने लग गई है, क्योंकि मैं इसको पैम्पर कर रही हूँ ना, खूब जिदे, देखो जिदे कर रही है, खूब जिदे कर रही है कि नहीं लेके चलो अभी लेके चलो, लेकिन चेरी ऐसी जिदे करती है ना, मेरे को मजा बड़ा आता है देखने में। बॉल से खेलेंगे, चलो नीचे मम्मी। अच्छा घर में खेलते हैं, चल बॉल लेके आ। बेबी हाँ, ये तुम नहाए हो ना? हाँ। तो तौलिया बेड पे? नहीं नहीं तौलिया मैं टांगने जा रहा था। कहाँ कहाँ जा रहे थे? फिर तुमने मुझे कोई काम दे दिया। मैंने क्या काम दिया तुम्हें? तुमने मुझे काम दिया था कि हाँ। बेबी टीवी चालू कर दो और कोई सीरीज लगा दो। ये बेबी तुम्हें नहाए हुए काफी टाइम हो चुका है, ये बेड पे पड़ा है। लेकिन वाइपर तो मारा ना मैंने, वाइपर भी जो मारा मैंने देखा देखा, मैंने पूरा का पूरा पानी फैला हुआ, दोबारा मार के आई हूँ। तो अब कल से मैं मारूंगा ही नहीं, क्योंकि दोबारा मारना पड़ता है तो एक इंसान की तो मेहनत बचे। तो कल तुम ही क्यों नहीं बेहतर तरीके से मार देते? चलो क्या होता है बेहतर तरीका, कोई बताएगा मुझे? तरीका छोड़ो, चलो चलो तलो 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 कहाँ तलो? नहीं नहीं तुम ना तौलिया रखे हो, चलो बाहर नहाए तुम थे ना, दर्द शुरू हो गई ना। दो 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 मैं टांगता हूँ, यहाँ सोफे के साइड पर टांग दूं इधर। कल से मेरे को बेड पे दिखना चाहिए, बेड पे कल से घर में नहीं दिखेगा, मैं डस्टबिन में डाल रहा हूँ इसे आज रात को। जी अविनाश तो घर से निकल गया है कब का, और मैं अब निकली हूँ क्योंकि मेरी एक्सरसाइज का टाइम हो गया है, बच्चे घर में अकेले हैं, लेकिन मैं फटाफट एक घंटे में खत्म करके आऊंगी, वापस आती हूँ तो आपको मिलती हूँ। जी मैं फटाफट घर पहुँच गई हूँ क्योंकि मेरे को बच्चों को घुमाने लेके जाना है और लेट हो गई हूँ। मैं आ गई लिफ्ट, ये देखो वो बिल्ली भी मेरा वेट कर रही है, अब इसके लिए भी खाना लाती हूँ, लेट हो गई मैं ऑलरेडी। बहुत रोएंगे ये लोग, क्योंकि अंधेरा हो रहा है और अंधेरे में ना चेरी को फिर दिखाई नहीं देता, और मेरे को जितना टाइम लगना था लगा ही। एनीवे मैं लेट हो गई हूँ, फटाफट चलो आओ, चल चेरू आ जाओ आओ ना। हाँ हाँ
भैया इसका ये फाड़ना, चलो बाहर आ जाओ, आओ चलो, हाँ ये रही ये रही, चिल्ला मत, चलो आ जाओ, चेरी आ जाओ, रोना नहीं है, रोना नहीं है, चलो 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 चलो, गुड गर्ल्स, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। ना मेरे को खुद को बुरा लगता है ना, मैं ऐसे लेट हो जाती हूँ ना, मेरे को भी बहुत बुरा लगता है अभी, क्योंकि ना चेरी को भी इतनी आदत पड़ गई है ना वो लाड लेने की, वो खेलने की, मतलब शी इज एक्चुअली लुकिंग वेरी हैप्पी। तो चेरी के लिए मैं ना मतलब आउट ऑफ द वे चीजें कर रही हूँ, आपको पता नहीं है कई बार मैं व्लॉगिंग भी नहीं कर रही होती जब मैं इसको नीचे लेके आती हूँ, दिन में एक्चुअली 3-3 बार मैं इसको नीचे लेके आती हूँ, और मैं इसलिए कोशिश करती हूँ क्योंकि खुश है, इसको खुश रहने दो, बस दिस इज ऑल व्हाट आई वांट। आजा आजा चलो खेलेंगे, चलो बॉलू से शुरू करेंगे खेल, आजा बच्चों को घुमा के ले जाया आ चुका है, और यहाँ पर मेरा बेबी भी आ चुका है, कॉफी बनाता हुआ, बेबी अपनी बेबी के लिए कॉफी बना रहा है और एकदम ओबीडियंट हस्बैंड की तरह काम कर रहा है। इसको पता है बाकी इसने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। जो तकियों का ब्लेम मेरे ऊपर आता था ना, आज मैं घर में आया हूँ, तकिए इधर उधर नहीं जमीन पे पड़े हुए थे, क्योंकि मेरे को एकदम नहीं क्यों तकिए ठीक जगह रखने चाहिए ना, मैं तो बता रही हूँ, मेरे को एकदम से जाना पड़ा और आते ही बच्चों को लेकर फिर भागना पड़ा, सिर्फ ब्लॉग में ये लड़का तकिए ठीक से नहीं रखता, मुझे रखने पड़ेंगे ठीक से नहीं, कैसे कैसे देखो इधर उधर करके ठीक से, हाँ क्योंकि वो लड़का ठीक से नहीं रखता, क्योंकि उस लड़के को तो कुछ भी ठीक से नहीं रखना आता, इसलिए नहीं रखता, कैसे कैसे, क्योंकि वो लड़के को तो कितनी लड़की ठीक से रखनी आता, इसलिए ठीक से नहीं रखता। मुझे लग रहा है आपको पता चल गया कि आप पतली हो रही हैं। आप अपने आप को देखिए ठीक है ना, मेरे उसमें तो बिल्कुल जाना ही नहीं, मैं आपको बता देती हूँ, मैं एक सीरीज वॉच कर रही थी साथ साथ में कुत्तों को घुमाने के लिए, वो आ गया विकास, उसके बाद एकदम से मेरी क्लास आ गई, उसके बाद आते ही मैं भागी हूँ, आपने देखा आपके सामने है कि मैं बच्चों को लेकर नीचे भागी हूँ, नीचे भागने से ऊपर आई हूँ तो मैं बच्चों का खाना गर्म कर रही हूँ, आप बताइए, और मेरे को इनको खाना देना है, इसको क्या करना है, बेबी छोड़ रही है, कॉफी बना दो, करना क्या उसमें कॉफी का बटन ऑन करना है, बस बेबी की कॉफी हो गई, लोगों के सामने दुख पे भी मैं बहुत अच्छा हस्बैंड हूँ, मैं कॉफी बनाता हूँ अपनी बेबी के लिए। अरे ये तो अलग लेवल की जलन है भाई, आप अपने आप को देखिए ठीक है, दिस सेज अ लॉट अबाउट अ पर्सन, दिस सेज अ लॉट अबाउट अ पर्सन, द पर्सन लाइक यू ठीक है, अब मेरे 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 उस पे मत जाना बिल्कुल भी, मैं तो जितने काम करने होते हैं मैं कर लेती हूँ, चल यहाँ से, चल यहाँ से। तो जी रात हो गई है और काफी रात हो गई है, मैं चली सोने के लिए, यहाँ पे अविनाश अपना काम कर रहा है, कुछ तो कर रहा है जो मुझे पता नहीं है, पिछले 2 घंटे से, तुम्हें 2 घंटे हो गए मुझसे बात नहीं करी है, बाय द वे क्या बात कर रहे हो, हाँ ये तुम्हें पता ही नहीं है ना, ये नॉर्मल हो गया ना तुम्हारे लिए, नहीं वो मैं जोन में चला गया था, कौन से वाले जोन में, क्या फ्लो, था वो जोन, फ्लो फ्लो कर रहा था मैं, ये क्या है फ्लो, कौन सा फ्लो, और कभी कभी मोमेंटम बन जाता है लिखने का तो फ्लो बन जाता है, चलो ये मोमेंटम में ही ना तुम गुड नाइट करो, चलो पकड़ो उसको, तुम मेरे पीछे से प्रेत आत्मा की तरह घूमती रहोगी। तो जी दोस्तों आप लोग को मिलते हैं कल, यहाँ आ रही है ठंडी ठंडी हवा, दिमाग चल रहा है बहुत तेज, फ्लो को तोड़ना नहीं चाहता हूँ, कुछ लिखना है, और इसलिए आप लोग को मिलते हैं कल सुबह, टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज संभावना से एंटरटेनमेंट, क्या बोल रहे हो पीछे से, कुछ भी नहीं बोल रहे, मैंने क्या बोला, चुपचाप खड़ी हूं, ये बाहर से डॉग की आवाज आ रही है, चुंचा चुंचा जैसी आवाज ना, चलो चुंचा अंदर सो रही है, तुम्हारे किसी कोई कुत्ता नहीं भौंका तुम पे, जब से तुम 2 घंटे ऐसे यहां बैठे हो ना, एक कुत्ता नहीं आया तुम्हारे पास, मेरे पास कुत्ता आया, मेरे पैर छू के गया है, पैर छू के गया ना, वो कंफर्म करके गए कि ये पैर यहीं पे रहेंगे ना, अंदर तो नहीं आए। We'll be right back.